देखो, अगले साल बहुत सारी जबरदस्त कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाना है अलग अलग कार कंपनियों की तरफ से, और बहुत सारी न्यू इलेक्ट्रिक कारें भी इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। आपको बताना चाहूंगा, रिसेंटली टाटा ने इंडिया की चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया था, जो कि है टियागो ईवी। और टियागो ईवी की कीमत स्टार्ट होती है 8,49,000 रुपीज से, यानी 8.5 लाख रुपए से टियागो ईवी की कीमत स्टार्ट होती है। लेकिन बहुत जल्दी टियागो ईवी से भी सस्ती इलेक्ट्रिक कारें इंडिया में लॉन्च होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 5 अपकमिंग इलेक्ट्रिक कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा, जिनको अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडिया में लॉन्च किया जाना है। अगर आपको आने वाले समय में कम बजट में एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार लेनी है अपने फैमिली के लिए या फिर होम टू ऑफिस के लिए, तो ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। जो सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार आती है जिसको सिट्रॉन की तरफ से लॉन्च किया जाना है, वो है C3 EV। कुछ दिन पहले ही इस कार ब्रांड ने C3 एयरक्रॉस को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, जो कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है इस कार ब्रांड के लिए, क्योंकि इस कार ब्रांड का पहला प्रोडक्ट था C5 एयरक्रॉस, जो कि कंप्लीटली फ्लॉप रहा है। लेकिन C3 एयरक्रॉस को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है और हर महीने इस कार के 800 से लेकर 1100 यूनिट बिक जाते हैं। तो इसका भी इलेक्ट्रिक वर्जन रेडी है इंडिया में लॉन्च के लिए, और बहुत सारी रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि ऑटो एक्सपो में सिट्रॉन कंपनी इस कार के इलेक्ट्रिक वर्जन को रिवील कर सकती है। और ये कार इंडिया में लॉन्च होने के बाद कम्पीट करेगी टियागो ईवी के साथ। इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है लगभग 8 लाख रुपए, यानी 8 लाख रुपए से इस कार का बेस मॉडल शुरू हो सकता है और टॉप मॉडल की कीमत 10 लाख रुपए के ऊपर चली जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये कार कंपनी इस कार के अंदर 2 बैटरी बैकअप का ऑप्शन देगी। 30 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा 40 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप के साथ भी इस कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, जिसके तहत आपको 300 से लेकर 350 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। अगर आप बड़ी बैटरी बैकअप के साथ जाओगे तो वहां पर आपको रेंज थोड़ी सी ज्यादा मिलने वाली है। लेकिन जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको MG कंपनी इंडिया में लॉन्च करने वाली है, और ये शायद आने वाले समय में इंडिया की चीपेस्ट इलेक्ट्रिक कार हो सकती है, वो है MG एयर ईवी। इस कार को बहुत दिनों से टेस्टिंग के दौरान स्पाइड किया जा रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इस कार की लेंथ है 2900 मिलीमीटर की। शायद ये 2-डोर और 4-सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंडिया में लॉन्च हो सकती है, यानी जिस तरह से आज के डेट में इंडिया में थार आती है 3-डोर के साथ और 4-सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, शायद MG कंपनी इस कार को 3-डोर के साथ इंडिया में उतार सकती है। तो ये भी चीज है, क्योंकि इस कार की लेंथ काफी कम रहने वाली है और ये दिखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। हालांकि रियर से ये कार दिखने में थोड़ी सी वैगनर की तरह दिखती है, लेकिन इसका फ्रंट का फिनिश आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा। और इस कार के अंदर 2 बैटरी बैकअप का ऑप्शन दिया जाएगा। पहला रहेगा 17.3 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप, और इस बैटरी बैकअप की मदद से आपको 200 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। और दूसरा बैटरी बैकअप रहेगा 27.7 किलोवाट आवर का, और इस बैटरी बैकअप के साथ आपको लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज मिलने वाली है। यहाँ पर रेंज का मतलब होता है एक सिंगल चार्ज में वो कार कितने किलोमीटर तक चलती है, यानी आप इसको माइलेज भी बोल सकते हैं। लेकिन भाई, इस कार का इंटीरियर काफी बेहतरीन है। इस कार के इंटीरियर में आपको ड्यूल स्क्रीन का सेटअप मिलेगा, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया है। इसके अलावा सेम साइज का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी मिल जाएगा। इंटीरियर तो काफी बढ़िया लग रहा है, और एक्सटीरियर से भी ये कार दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। इसके लुक को देखकर और इसके इंटीरियर को देखकर आपको क्या लगता है, इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस 5 या फिर 6 लाख रुपए बताई जा रही है। इस प्राइस रेंज में MG कंपनी इस कार को उतार सकती है। शायद इसकी कीमत और भी ज्यादा रह सकती है अगर इसके अंदर बड़ी बैटरी बैकअप का यूज किया जाता है। जो थर्ड नंबर की कार है, इस कार को ऑलरेडी इंडिया में रिवील किया गया है, वो है महिंद्रा की XUV 400। XUV 400 का सीधा मुकाबला रहेगा नेक्सॉन ईवी के साथ, और आज के डेट में नेक्सॉन ईवी इंडिया की मोस्ट सेलिंग ईवी कार है। इसके अलावा SUV सेगमेंट के अंदर नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकती है, तो यहाँ पर महिंद्रा का और टाटा का सीधा मुकाबला होने वाला है। और सोशल मीडिया के ऊपर नेक्सॉन ईवी के ऑफिशियल पेज के ऊपर XUV 400 को रिसेंटली ट्रोल किया गया, यानी उनका ये कहना था कि नेक्सॉन ईवी को मात देना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा XUV 400 को। XUV 400 का लुक आपको काफी ज्यादा XUV 300 के जैसा ही देखने को मिलने वाला है। कॉस्मेटिक चेंजेस करे गए हैं एक्सटीरियर में, और इंटीरियर में आपको नॉर्मल से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। XUV 400 के अंदर 39.4 किलोवाट आवर बैटरी बैकअप का यूज किया गया है, जिसके तहत आपको 150 BHP की पावर आउटपुट और 310 Nm का टॉर्क मिल जाएगा। और इस बैटरी बैकअप के साथ XUV 400 लगभग 456 किलोमीटर तक की रेंज देगी, और टाटा नेक्सॉन ईवी लगभग 437 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है एक सिंगल चार्ज में। तो यहाँ पर आने वाले समय में इन दोनों कारों के बीच काफी जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, और XUV 400 के प्राइसेस नेक्स्ट मंथ रिवील किए जाएंगे। आज के डेट में नेक्सॉन ईवी की कीमत स्टार्ट होती है 15 लाख रुपए से, और 17.5 लाख रुपए तक इसका टॉप मॉडल चला जाता है। लेकिन यहाँ पर XUV 400 की कीमत 14 या फिर 15 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। जो फोर्थ और
फिफ्थ नंबर की ईवी कारें आती है जिनको टाटा की तरफ से लॉन्च किया जाना है, वो है अल्ट्रोज ईवी और दूसरी है पंच ईवी। आने वाले कुछ महीनों में आपको पंच के अलग अलग मॉडल्स इंडिया में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अल्ट्रोज ईवी को 2020 के ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। अगले महीने अल्ट्रोज ईवी को ऑफिशियली लॉन्च किया जाना है। टाटा अल्ट्रोज ईवी के अंदर नेक्सन वाला ही बैटरी बैकअप का यूज किया जाएगा, जिसके तहत आपको लगभग 437 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है, शायद रेंज कम भी हो सकती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। टियागो ईवी के अंदर जो बैटरी यूज की जाती है सेम बैटरी बैकअप टाटा पंच के अंदर दी जा सकती है, जिसके तहत आपको लगभग 300 किलोमीटर तक की रेंज मिल जाएगी। तो ये पांच ईवी कारें थी जिनको आने वाले समय में इंडिया में लॉन्च किया जाना है, और आने वाले समय में बहुत सारी कार कंपनियां न्यू इलेक्ट्रिक कारों को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।